ओ भाई साहब, मेरे को इसको ओ ब्लास्ट ब्लास्ट का मतलब वो आ चुकी है भाई, बहुत पावरफुल है। मैं भागता अपना रागनाओं को, युद्ध यहाँ छिड़ चुका है बहुत ही बुरी तरीके से। दो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं पैल वर्ल्ड, और ये गेम हो रहा है यहाँ पे। और आज हम करने वाले हैं कुछ ब्रीडिंग, बेलनोर को कैप्चर, और साथ ही साथ एक टावर बॉस से हम लड़ने वाले हैं। सो सबसे पहले जो लेजेंडरी पर्ल्स हमने पकड़े थे लास्ट टाइम, नेक्स्ट जो प्रीवियस वाले पार्ट में, उसी की ब्रीडिंग आज होने वाली है। तो जेट ड्रैगन हमने पकड़ा था, ब्लेज मून पकड़ा था, काफी कुछ। फिलहाल हम जेट ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। भाई ये सामने आ जा, ये आराम फरमा रहा है, लेकिन भाई हमें ब्रीडिंग करा के ताकि और जेट ड्रैगन की जरूरत है, क्योंकि आगे हम लड़ने वाले हैं काफी और पावरफुल से। भाई ये कहाँ छुप जा रहा है, मेरे को इसका बटन नहीं मिल रहा है। लेवल तो अच्छा खासा बढ़ गया, बेस लेवल भी मेरा, ये मेरा एक तरीके से मेन बेस कह सकते हैं हम। मैंने ऊपर बनाया है, खुला खुला है सब कुछ अभी। ओके, अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको कुछ और चाहिए बेस को स्पेशल तरीके से, तो बताइएगा, मैं उसमें आपको और बनाता हूं एक स्पेशल बेस। तो यहां पे ब्रीडिंग का काम इसको सौंप दिया है मैंने भैया। अब उसके बाद हम पहुंचने वाले हैं दूसरा, कहां है भाई, हाँ ये रहा। अरे अरे भाग मत यार, इसको पकड़ने में बड़ी हाफत है। कहां भाग रहा है भाई भाई, रुक जा जेट ड्रैगन भाई। इनकी ब्रीडिंग करानी है मेरे को, और इनकी ब्रीड करा के मेरे को लेना है एक और जेट ड्रैगन। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे जेट ड्रैगन बनाने वाला हूँ, ब्लेज मूड की ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ, फिर उसके बाद फ्रोस्टेलियन, यस फ्रोस्टेलियन भी मैंने पकड़ा था लास्ट टाइम, तो उसकी भी ब्रीडिंग। सो ये दोनों यहाँ पे असाइन कर दिए हैं मैंने, इनका काम हो गया चालू। इनको अब केक की जरूरत होगी मेरे ख्याल से, सो मैं इनको केक लेके आऊंगा, ये एग प्रोड्यूस करेंगे और इनक्यूबेटर में हम रखेंगे। और देन वी हैव क्या होने वाला है, सॉरी क्या 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 वो होने वाला है प्रोड्यूस। भैया एग आ चुका है, देखो एग आ चुका है, मैंने एक बार केक डाला था, एक बार और डाल देता हूं। ओके सो भाई इनने एग को तो दे दिया, भैया दो एग आ चुके हमारे पास, ठीक है। अब हमें आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जेट ड्रैगन का एक और भाई। ओके देखो दो दो एग हमने डाल दिए, ठीक है, अब हमें मिलने वाले हैं भाई जेट ड्रैगन दमदार। दो एग हम फिक्स कर दिए, टाइमर लग गया है, स्पीड थोड़ा सा सीम्स लिटिल कोल्ड। ओके इसको हम सेट कर देंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको फायर वगैरह कुछ करा लेता हूँ, जैसे कैंप फायर। इससे क्या रहेगा, ये आसपास अगर रहेगा तो इसको हीटिंग मिलती रहेगी इजिली, इसको कोल्ड ज़्यादा नहीं लगेगा, और जल्दी से ये हैच हो जाएगा, मीन्स इनक्यूबेट हो जाएगा। ओके सो ये यहाँ पे हो गया, 50% अभी भी दिखाया जा रहा है। ओके तो मैं सोच रहा हूँ एक और लगा देता हूँ यहाँ पे कैंप फायर। ओके बस डर है मेरे पेल्स को कोई नुकसान हो, कई बार क्या होता है पेल्स को भी यहाँ पे नुकसान हो जाता है, इससे जल जाते हैं। तो ओके सो फिलहाल मैं इसको कैंप फायर दो लगा चुका हूँ, ठीक है, दैट्स गुड। अब हमारा काम कुछ नहीं है, आराम से एग जो है वहां पे इंक्यूबेट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा। देखो इस तरीके से मैंने काफी एग बार बार इकट्ठे करे थे, ठीक है। तो जेट ड्रैगन वो अपना काम दिया और वो अपना काम चालू, देखो एक और उसने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने और केक रखा बस, ठीक है। ओके काफी जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया, ताकि आपको भी इसमें थोड़ा सा बोर महसूस ना हो और हम अपना काम भी कर सकें। अब एक टास्क हम करने वाले हैं, बेलनोयर को कैप्चर, उसके लिए समनिंग अल्टार हम लगा रहे हैं। मेरा ये एक टेम्परेरी बेस है, एक कॉयल माइनिंग वाला एरिया है, यहाँ पे इस जगह पे मैंने बेस बनाया है। ओके सो थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं मैं, ताकि इसका बेस का थोड़ा सा एक सही लोकेशन पे इसको थोड़ा और बैठा लूं। अब समनिंग अल्टार पहले इसको यहां दोबारा से लगाता हूं थोड़ा लोकेशन, और समनिंग अल्टार से मेरे को बेलनोयर को मेरे को कैप्चर करना है। तो बेलनोयर जो है ना एक बहुत ही पावरफुल पहल है भाई, उसका एग मिल जाएगा, एनसाइड सिविलाइजेशन कोर मिल जाएगा, और मेरे को 5 एनसाइड सिविलाइजेशन, मतलब 5 बार मुझे बेलनोयर को कैप्चर तो नहीं होगी शायद, लेकिन कोशिश करेंगे अगर कैप्चर हो जाए, लेकिन उसको बीट जरूर करना है। ओके सो ये समनिंग अल्टार हम पहले लगा लेते हैं ध्यान से। ओके सही है, अब इसको हम करके देखें, एफ होल्ड बिल्ड, बहुत टाइम लग रहा अपने से।
तो सीधे सीधे हम दिन में आ गए हैं और हमने यहाँ पे अपने पेल्स को कुछ रेडी रखा है, जिन्होंने भाई तोड़फोड़ लगा दिया। अनुबिस ले जाता हूँ, ये बहुत जल्दी इस तरीके के हैंडीवर्क में बहुत हेल्प करता है अनुबिस। ओके अनुबिस पहुंच जाओ। देखो अनुबिस ने एक दो हथौड़े में तीन तीन चार 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 पांच पांच छः छः हथौड़े में पूरा काम कर दिया है। ओके अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, अगर जैसे ही मैं वहां पे ओके अगर पावर स्लैब जैसे ही रख दूंगा ना भाई, अब मुझे बचना है, भागना बहुत तेजी से, बहुत पावरफुल है, इसलिए मैंने अपने इस टेम्परेरी बेस में यहां पे बनाया, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा। ओ भाई साहब मेरे को इसको ओ ब्लास्ट ब्लास्ट मतलब वो आ चुकी है भाई, बहुत पावरफुल है। मैं भागता हूं अपना रागना को, युद्ध यहां छिड़ चुका है बहुत ही बुरी तरीके से। 2,75,000, 2,25,000, 2,94,000 थी उसकी एचपी। ओ देखो क्या मारे, मैं जल्दी से भाई इसको चेंज करूं। ओके हो भाई साहब मेरे को एकदम धकेल दिया इस बेलनोयर ने। ओके भाई जा जल्दी जा जल्दी जा मेरे विलेज मुठ। ओके अरे यार ये क्या है, अकेले बहुत ज्यादा डैमेज दे रही, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पेल्स को। भाई मुझे संभल के करना पड़ेगा इससे। क्या बात है, कैप्चर नहीं हो सकती क्या? अरे कैप्चर हो जा, अरे 0.00 आ रहा है क्या? मैंने इसको बहुत बार कोशिश करी कैप्चर करने की, लेकिन शायद मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। देखो लेकिन यहाँ पे भयंकर ओ भयंकर युद्ध चल छिड़ा है, बहुत उसकी एचपी हमने यहाँ पे आधी कर दी है मेरे पेल्स ने मिलके। भाई साहब वो तो मैंने पत्थर की बिल्डिंग, देखो इसने मेरी पत्थर की बिल्डिंग एक सेकेंड में तोड़ दी। ओके बहुत पावरफुल है, मेरे पास 8 मिनट हैं और 1:31 इसकी एचपी खत्म कर चुका हूं मैं। भाई साहब बहुत पावरफुल पहले, अरे ये कहां फ्रोस्टेलियन अटका पड़ा है मेरा, ऑस्ट्रेलियन ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। यार मैंने इनको इतनी मेहनत से पकड़ा और ये अटके पड़े हैं अभी तक। क्या बात है, कैप्चर होगा यार, कैप्चर नहीं हो रहा है कैप्चर। ओ हो क्या है इसका पावर, ओ माय गॉड बहुत बहुत ही पावरफुल है। देखो क्या बीम इसने क्या छोड़ा था क्या, गई 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 नीचे गिर गई नीचे गया नीचे गया। और एक फ्रस्ट्रेलियन मेरा नीचे, यार इन लोग को मैंने कैसे कैसे पकड़ के ब्रीड करवाया, कैसे कैसे मैं इनको लेके आया हूं, और ये लड़ने की जगह कोने में इधर उधर गिरे पड़े हैं। हद है यार, मार इसको मारता हूं। एक मेरी असॉल्ट राइफल ठोक दे, असॉल्ट राइफल वैसे है अच्छा डैमेज देती है। देखो 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 डैमेज सही दे रही है, ओ माय गॉड बहुत बढ़िया डैमेज दिया असॉल्ट ने भी। ओके व्हाट अ डैमेज, बच रही है बेलनोयर। ओके वो भी मेरे पे हमला करने की कोशिश में है, वहां नीचे से भी मेरा साथ ब्लेजमुट है नीचे, वो हमला कर रहा है उस पर लगातार। ओके देखो देखो ऊपर से ही हमला कर रहा है वो, भाई मैंने अच्छी जगह ही घेरी भाई। ओके मस्केट निकालते हैं हम अपनी, कहाँ कहाँ गई कहाँ गई भैया, 63,000 इसकी एचपी रह गई है बेलनोयर की। ओके जल्दी जल्दी आ जाओ, ये कहाँ फंसी पड़ी है भाई, ये मेरा जेट ड्रैगन क्या कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे बैठा पड़ा है क्या कर रहा है, काम करना सीधे भाई, जा जा ब्लेजमुट। ओके ओके ब्लेजमुट ने अच्छा डैमेज दिया उसको, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लेजमुट उसको डैमेज दे रहा है। देखो सुजाकू, ये दो दो सुजाकू पड़े हैं नीचे, कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं यार कैसा यहाँ पे ये लोग शांति। शैडो बीक तो मेरा लुढ़क चुका है, उधर फर्स्टेलियन अटक पड़ा है यार, बवाल है पूरा। ओह ऊपर चला गया ये यार, बेलनोयर ऊपर चलेगी यार, ये जादू शक्ति है क्या इसमें, ऊपर एकदम से भाग गई। ओ क्या हो गया, ये क्या करा क्या छोड़ा है भाई, पूरा अंधकार के लेवल अप तो होते जा रहा है मेरे ब्लेज मूड वगैरह इन लोग का, लेकिन मुझे उसको खत्म करना है भाई। ओहो गायब, ओ देखो क्या यार क्या रॉकेट बना देती है, एकदम समझ नहीं आता है। फाइनली फाइनली इसको हमने हरा दिया, ये हुई ना बार। ओ ले अब गिरी गिरी गिरी, एक बार देख लूं इसको। ओह मेरी एचपी भी लो हुई है, लेकिन इसको अब आया। देखो ब्लेजमुट भाई पहले से कहां मर रहे थे, हैं अब आए हो, उसको मार दिया अब आया है, कोई बात नहीं। मेरे को एग मिला है यहाँ पे इसका बेलनोयर का, और वेरी गुड अब अपना काम हो गया।
भाई मेरे को इस बेलनवेयर की एग की तो जरूरत थी, एक बेलनवेयर मिल गई और साथ में ये एंसेंट सिविलाइजेशन कोर, पांच मेरे को एंसेंट सिविलाइजेशन कोर का मतलब समझ, पांच बार मुझे बेलनवेयर को इस तरीके से डिफीट करना पड़ेगा। तो ये एक टास्क होने वाला है बहुत ही खतरनाक, बाकी हमें काफी भयंकर भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। अब मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि वेट कैरी हो चुका है थोड़ा हैवी, इसलिए मैं अपने रागनाहोक को निकाल लेता हूँ। ओके रागनाहोक पहुंचाओ मुझे ऊपर, चलो, क्योंकि वहां पेल बॉक्सर, वहां से इजिली मैं दूसरी जगह स्पॉन हो जाऊंगा, वरना क्या होगा मेरे को बहुत ज्यादा लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा टावर पे इधर उधर, इसलिए सीधा डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाऊंगा। देखो अनुबिस ऑस्ट्रेलियन, फिर ये सुजाकू, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, मरे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, इतनी मेहनत से इन्हें पकड़ा मैंने। ओके तो यहाँ पे आ गए हैं हम फिर से, ये वॉकिंग प्रोसेस इनकी चालू है, ठीक है। एस्टेगोन को क्या हो गया भैया, ज्यादा बीमार पड़ गया लग रहा है, सब स्टार्विंग एकदम हो चुकी है इनकी भाई, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। ओके सो ये मिल चुकी है, अब मैं इस एग को इनक्यूबेटर में रख देता हूँ, बहुत मेहनत से पकड़ा, और ये इनक्यूबेशन कंप्लीट हो गई है। ब्लेजमुट देखा, ब्लेजमुट और सुजाकू एक्वा, इनकी इनक्यूबेशन, इनकी ब्रीडिंग करवाई थी मैंने और एग मिला था मुझे, तो इसमें ब्लेजमुट मिल गया, तो ये बहुत अच्छा रहा। ओके इसको टाइम लगेगा जब तक हम एक नया टावर बॉस, यस उसे हमने अभी तक नहीं हराया है, आज हम उसको हराने के लिए जाने वाले हैं। तो पहले इसका एग को हम इनक्यूबेट हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस, देखो बेलनवेयर वाज बॉर्न, समझ रहे हैं, तो ये बेलनवेयर हमें मिल चुकी है जिससे हमने युद्ध किया था, लेकिन हमें बेबी बेलनवेयर मिला है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी लेवल अप हो जाएगी। तो आ चुके हैं टावर ऑफ पायरे एंट्रेंस, माउंट ऑब्सिडियन। ओके तो इस टावर में मिलने वाला है हमें टावर बॉस, काफी खतरनाक है वो, उसकी एचपी भी ज्यादा है। देखो ऐसी चेस्ट वगैरह मिले हमें, पहले वो हमें ले लेनी चाहिए, तो इनमें काफी कुछ मिल जाता है हमें, जैसे गोल्ड कॉइन, कोर सेमो वगैरह। ओके सो अब सीधे बढ़ते हैं हम उस टावर के लिए जो आज का फाइनल मिशन है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो कर दीजिएगा, ब्रदर ऑफ एटर्नल पायरेट टाउन। ओके भाई हमें मिशन हमारा ये है, 10 मिनट मिलते हैं और 10 मिनट के भीतर हमें इस ब्रदर ऑफ एटर्नल पायरेट को हराना पड़ेगा भाई। ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है इसमें, क्योंकि एचपी बहुत रहती भाई, एक अरब जैसा बंदा दिखाया जा रहा है इसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ये अरबी है। ओ, काफी अच्छा। ओ भाई साहब कौन है ये, एक सेकंड, मैंने इसको पकड़ा है। ओके मेरे को रेडी रखना है, चालू फ्रॉस्ट्रेलियन, यस मेरा फ्रॉस्ट्रेलियन, तुम ही कुछ दिखाओ कमाल, फ्रॉस्ट्रेलियन दिखाएगा कमाल, मुझे उम्मीद है। अच्छा फ्रॉस्ट्रेलियन हाईली इफेक्टिव साबित हो रहा है एक्सेल और सेक के बीच में। देखो इसकी एचपी 1,23,000 हो चुकी है, काफी डैमेज करी है, ऐसी बात नहीं है, काफी अच्छा फ्रॉस्ट्रेलियन उस पर इफेक्टिव साबित हो रहा है, हाईली इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं हाईली इफेक्टिव साबित हो रहा है भाई। मेरे को बस उससे बच रहना है, मेरा पेल लड़ेगा और मेरे को बचना, बस यही हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है, और बीच में मौका मिले मेरे को ठोक देना है, ठीक है। चाहे मस्केट है तो मस्केट से ही ठोकूंगा मैं, सीधी बात है, अभी एसोल्ट राइफल की एमओ नहीं है मेरे पास। ओके तो वो देखो यहाँ पे 1,09,000 के बीच में पहुंच, ओह ये डैमेज देता है भाई एक्सेल और सेक, खतरनाक वाला, बिजली करंट भी देता है, फायर भी देता है। ओह फ्रॉस्ट्रेलियन मेरा डेंजर में, मुझे ऐसा इंडिकेट मिल रहा है। ओके मेरे को बुला लेना चाहिए। ओके दोबारा दूसरा फ्रॉस्ट्रेलियन, मैंने यहाँ दो फ्रॉस्ट्रेलियन लाया हूँ, जेट ड्रैगन भी लाया हूँ, लेकिन लेट्स सी, मेरे को लग रहा है मेरा काम फ्रॉस्ट्रेलियन ही अकेला कर देगा, लेकिन ओह यार ये एकदम से बिजली का जो झोंका दे रहा है ना, बहुत खतरनाक वाला है। अभी यहाँ पे 7 मिनट अप्रोक्स बाकी हमारे पास। ओके 6 के समथिंग आ गया, 61,000 उसकी एचपी हम कर चुके हैं, अराउंड आधी। हो बच के बहुत बच के, ये जो ये है ना, ये बहुत फायदेमंद है जो मैं ये लाया हूँ ईगल का,
इसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में वो बताए। और बस मैं इससे बच रहा हूं एकदम, इससे काफी मेरे को बेनिफिट साबित हो रहा है जब वो मेरे को तरफ अटैक करता है ना एक्सेलोर से, एकदम से कूद के अलग हो जाते हैं। और यहां अपना काम हो रहा है ऑस्ट्रेलियन के द्वारा, वो अच्छा डैमेज दे रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। 51,150 पे चल रहा है। ओके देखो ये एकदम से ले जाता उड़ा के हमें, अगर वो अटैक करता है ना ये बचाता है हमें भाई। इसको ले क्या एक्सेलोर से कहा है, मार ठोक दे ठोक दे ठोक दे ठोक दे ठोक दे। ओ ये मेरे को लग रहा है हमारी तरफ दोबारा बढ़ रहा है भाई, बहुत संभल के, ज्यादा समय नहीं रहा। ओ एसिड रेन भाई, ये कौन कौन से इसके पास हथियार हैं उससे हमला करता है। ओके ठोक दे ठोक दे भाई, एक जगह नहीं रुकना है, ये गेम का यही नियम है। अगर आप किसी टावर बॉस से लड़ने जा रहे हैं तो एक जगह नहीं रुकिए, अपना फूड वगैरह फुल टू एकदम रखिए और बस बचते रहिए। ओह और अपने पावरफुल 22, अरे यार 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 36,000 पे चल रही है कहानी, टाइम भी बहुत कम है और मुझे इसको हराना है। फिलहाल तो मैं बचा हुआ चल रहा हूँ, मुझे बस इसको हराना है भाई। भाई 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 बहुत संभल के, मैं पीछे पलट के भी नहीं देख रहा हूँ भाई, क्यों मैंने अगर पलट के देखा मुझे ये डर है ठोक देगा मेरे को। ओह भाई 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 ऑस्ट्रेलियन मेरा काम कर रहा है, मुझे दिख रहा है वो अच्छा खासा काम कर रहा है, मुझे इसको बुला लेना चाहिए दोबारा, क्योंकि वो जब इस तरीके रेड सर्कल आ रहा है ना तो समझ लो वो उसका अटैक है और वो अटैक बहुत खतरनाक है। ओके 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 ठोक दे यार एक्सेल और से, वैसे तो मेरे पास भी है लेकिन यार मेरे पास उतना पावरफुल नहीं, लेकिन यहां पे अभी इतना पावरफुल भाई, ये बहुत बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, ये हार ही नहीं मान रहा है देखो तो। ओह हो 14,000 एचपी रहेगी मेरे को, बस अपने आप को सेव करना है और अपने पेल्स को मौके पे जब जरूरत हो तब वहां पे उनसे लड़ने भेजना है, वरना बुला लेना है वापस। यार 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 ओके ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, मेरी तरफ बढ़ रहा है भाई, ये मेरी काफी हेल्प कर रहा है एक से दूसरे लोग। ओह भाई 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 ओह क्या फेंका इसने, क्या फेंका भाई। 7,000 बहुत ज्यादा कम एचपी रह गई है उसकी, लेकिन टाइम भी बहुत कम रह गया, मुझे इसी टाइम के अंदर उसको हराना पड़ेगा। ओहो एकदम मेरी तरफ आया भाई, एकदम मेरी तरफ आ गया भाई, ये बहुत बड़ी बात है। 3 ओह फाइनली मैंने इसको हरा दिया। ओह बहुत मेहनत लगी गाइस और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लाने वाले हैं कुछ और टावर बॉस को हराने वाले जो बचे हैं, और खतरनाक बेलनोर 50 लेवल को भी हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद एंड जय श्री राम।